हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ईपीएफओ में अब आपकी जितनी भी करेक्शंस हैं सारी ऑनलाइन होंगी, और ये जो फैसिलिटी है बहुत जल्दी आपके यूएन पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी। अब इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं अपने माइंड में कि मैंने आपको बताया था आपका 11 तरह का करेक्शन, जिसमें ऑलमोस्ट आपकी सारी करेक्शंस जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं उसमें इंक्लूडेड थी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, जॉइनिंग, एग्जिट, रीजन ऑफ लिविंग, मतलब वो सारे डिटेल्स जितनी आपके यूएन में आपकी डिटेल्स अपडेटेड होती हैं वो सारी आप करेक्ट करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन जो 11 तरह की जो डिटेल्स हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, उनमें से मैक्सिमम आप कितनी ठीक करवा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपको ठीक करवानी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। दूसरा, जो मैक्सिमम डिटेल्स हैं आप जो करेक्ट करवा सकते हैं उनको कितनी बार करेक्ट करवा सकते हैं। मान लो अगर आपका नाम आपने एक बार चेंज करवाया तो क्या आप दूसरी बार करवा सकते हो, तीसरी बार करवा सकते हो, या फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है उसको कितनी बार चेंज कर सकते हो, जॉइनिंग एग्जिट जो है उसको कितनी बार ठीक करवा सकते हो। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम बात करेंगे कि एक डिटेल को आप कितनी बार ठीक करवा सकते हो, मैक्सिमम कितनी डिटेल्स हैं आपके अकाउंट से। ऐसा नहीं है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसकी सारी डिटेल ही आप चेंज करवा दो, आपका नाम भी चेंज करवा दो, फादर नेम भी, जॉइनिंग भी, एग्जिट भी, तो ऐसा नहीं है। उसमें एक लिमिट है कि आप मैक्सिमम कितनी डिटेल्स चेंज करवा सकते हो अपनी। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हो गए कि कितनी डिटेल चेंज करवा सकते हो, कितनी बार चेंज करवा सकते हो। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो जॉइंट डिक्लेरेशन आप फिल करेंगे, अपलोड करते हैं, अगर आपकी कंपनी बंद है तो उस केस में जो आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कौन अटेस्ट करेगा, यानी कि कौन ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा जो आपके जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अटेस्ट करेगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप अपलोड कर देते हो, आपकी कंपनी से वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कितने दिन में पीएफ डिपार्टमेंट से अप्रूव होगी, वो माइनर है तो कितने दिन लगेंगे, मेजर है तो कितने दिन लगेंगे, एक्सेप्शनल केस है तो कितने दिन लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पीडीएफ है मैंने ओपन की हुई है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे टेबल 6 दिया हुआ है, जिसमें आपके जो 11 तरह की करेक्शन आप पीएफ में कर सकते हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वाला। उसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नंबर ऑफ टाइम्स चेंजेस अलाउड, यानी कि आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं। तो मेंबर ऑनलाइन अपना जो नेम का रिक्वेस्ट है सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकता है। यहाँ पे ये एक बार क्या है कि मान लो इनकेस आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपना नेम चेंज करवाया तो आपका एक बार चेंज हो सकता है। फीमेल केसेस में अगर शादी के बाद उनका नेम चेंज हुआ है तो वो चेंज करवा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ही बार आप चेंज करवा सकते हैं, दोबारा आप उस नाम को चेंज नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर, मदर नेम, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आप एक एक बार ही ठीक करवा सकते हैं। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपने एक बार शादी की फिर आपने वहां पे सिंगल से मैरिड चेंज कर दिया, अगर आपका डाइवोर्स होता है या कुछ और इनकेस अगर कुछ होता है तो आप दोबारा से चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ जॉइनिंग, लिविंग, रीजन ऑफ लिविंग, नेशनलिटी, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आप एक ही बार चेंज करवा सकते हैं। तो आप अगर कोई भी डिटेल अपनी पीएफ में ठीक करवा रहे हैं तो आप ध्यान दें कि जो भी डिटेल्स आप ठीक करवा रहे हैं उसको अच्छे से ठीक करवाएं, क्योंकि एक ही बार वो ठीक होगी, दोबारा से वो ठीक नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 11 तरह का है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी डिटेल अपनी पीएफ में चेंज करवा लो, ये पॉसिबल नहीं है। इनमें से कोई भी 5 डिटेल आप चेंज करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ए मेंबर में बी अलाउड टू सिक चेंजेस इन अप टू 5 पैरामीटर्स आउट ऑफ द अबव 11। अब ये जो 5 तरह के आप डिटेल हैं, एक बार में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देखे चेंज करवा सकते हो, या फिर आप अलग अलग जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देखे चेंज करवा सकते हो। मान लो आज आपने अपना नेम चेंज करवाया, कुछ दिनों बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करवाया, उसके कुछ दिन बाद आपका किसी कंपनी का डेट ऑफ जॉइनिंग या लिविंग गलत था उसको आपने चेंज करवाया, हस्बैंड या फादर जो रिलेशनशिप है वो आपने अगर चेंज करवाया, तो इस तरह से आप 5 जो पैरामीटर हैं वो चेंज करवा सकते हैं 11 में से। इसके बाद ये नहीं है कि आप सिर्फ 5 ही चेंज करवा सकते हो, इन डिटेल को आप एक ही बार चेंज करवा सकते हो। एक्सेप्शनल केस यानी कि ऐसे वैलिड केसेस जिसमें आपको ज़रूरत है कि आप इसको दोबारा से चेंज करवा सकते हैं। एक बार आपने मान लो अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करवा लिया, दूसरी कंपनी में कहीं आप दोबारा से आपने कहीं ज्वाइन किया, वहाँ पर भी अगर गलत डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट हो गया है तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप दोबारा से चेंज हुआ है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, मैरिटल स्टेटस को आप चेंज करवा सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर लिए हुए हैं नॉर्मली आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं, और 5 जो पैरामीटर हैं आप उनको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस में यहाँ पे ड्यू अप्रूवल के साथ वैलिड रीजन में आप जो है आपका
इनके अलावा भी एक्सेप्शनल केस में रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन केस द चेंजेस आर इन मोर देन 5 पैरामीटर द मैटर विल बी थ्रोली एग्जामिन बाय द ओआईसी, यानी कि जो कमेटी है इनकी उसके द्वारा ये एग्जामिन किया जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स आप करेक्ट करवाना चाह रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है, उसके पीछे का जो रीजन है वो। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 11 में से 5 आप चेंज करवा सकते हैं और मोस्टली डिटेल्स आप एक ही बार चेंज करवा सकते हैं मैरिटल स्टेटस को छोड़ के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपकी कंपनी ओपन है तो आपकी कंपनी उसको अटेस्ट कर देती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देती है आपकी रिक्वेस्ट। बट इन केस आपकी अगर कंपनी क्लोज है, उस केस में आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको किससे साइन करवाना है। इसके बाद देखिए जो हम बात कर रहे थे, अथॉरिटीज टू अटेस्ट द क्लेम इन केस ऑफ क्लोज्ड एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपकी कंपनी बंद है और आपको अपनी करेक्शन करवानी है, उस केस में आप जो अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको किससे अटेस्ट करवाएंगे। तो इसमें आपको मजिस्ट्रेट, एक गजेटेड ऑफिसर, पोस्ट, सब पोस्ट मास्टर यानी कि जो डाकिया है उससे आप साइन करवा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप MP MLA से आप साइन करवा सकते हैं, म्यूनसिपलिटीज कॉरपोरेशन जो हैं आप उनसे साइन करवा सकते हैं, मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उनसे आप साइन करवा सकते हैं, रीजनल कमेटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि EPFO के जो कमेटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उनमें से किसी भी मेंबर से आप साइन करवा सकते हैं, बैंक का जो मैनेजर है जिसमें आपका क्लेम है, आपका अकाउंट है, वहाँ उस बैंक के मैनेजर से आप साइन करवा सकते हैं, हेड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो हेड है उससे आप साइन करवा सकते हैं, पंचायत के मुखिया से, सरपंच से आप इनसे साइन करवा सकते हैं, विलेज पंचायत सेक्रेटरी यानी कि जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे आप साइन करवा सकते हैं, तहसीलदार से साइन करवा सकते हैं, और एनी ऑथोराइज्ड ऑफिशियल एज मे बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर, यानी कि एक गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप जो अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको साइन करवा सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो वहाँ पे आप सरपंच से, मुखिया से या फिर सेक्रेटरी से या फिर तहसीलदार से आप साइन करवा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। आप किसी स्कूल के हेडमास्टर से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनसे आप साइन करवा सकते हैं, बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के मैनेजर से आप साइन करवा सकते हैं। तो आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपकी कंपनी बंद है तो आप इन लोगों से साइन करवा के उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपने फिल किया, आपको पता है कि आप सारी डिटेल्स एक ही बार चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट आपका जो मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद हमने बात किया कि आपकी कंपनी बंद है तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म किससे साइन करवाना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट कितने दिन में PF ऑफिस से अप्रूव होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी रिक्वेस्ट माइनर है तो आपका सबमिट करने के बाद जब मतलब वो रिक्वेस्ट PF ऑफिस के पास पहुँचती है उसमें आप 7 दिन लगा के चलो। ऐसा नहीं है कि आपने आज रिक्वेस्ट डाला और आपकी कंपनी ने ही उसको 10 दिन बाद अप्रूव किया, तो उस केस में 7 दिन में नहीं होगा। यानी कि जिस दिन PF ऑफिस के पास वो रिक्वेस्ट पहुँचेगी उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेजर रिक्वेस्ट। मेजर रिक्वेस्ट में क्या है, जिस दिन आपकी रिक्वेस्ट PF ऑफिस के पास पहुंचेगी उस दिन से 15 दिन आप लगा के चलो, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो एक्सेप्शनल केसेज हैं, आपकी कंपनी बंद है या फिर PF रिकॉर्ड में एक्टिव दिखा रही है या फिर वहाँ पे EO की रिक्वायरमेंट है, तो जो केस EO के पास रेफर किए जाते हैं उस केस में 3 दिन और आप एक्स्ट्रा लगा लो। यानी कि अगर माइनर करेक्शन में रिक्वेस्ट गई है तो 7 और 3 10 दिन के अंदर आपकी रिक्वेस्ट पे एक्शन लिया जाएगा। मेजर रिक्वेस्ट है तो उसमें आपका 15+3 18 दिन में आपकी रिक्वेस्ट पे एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइमलाइन PF डिपार्टमेंट ने दिया है कि आपकी रिक्वेस्ट कितने दिन में EPFO उस पे एक्शन लेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किए कि आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें आप कौन कौन सी डिटेल कितनी बार ठीक करवा सकते हैं, मैक्सिमम आप कितनी डिटेल ठीक करवा सकते हैं, कंपनी बंद है तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म किससे साइन करवाना है, जब आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं तो PF ऑफिस उसको कितने दिन में अप्रूव करता है, अगर माइनर है तो, मेजर है तो, और एक्सेप्शनल केस है तो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो मेजर और माइनर रिक्वेस्ट है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो माइनर है या मेजर है। उसके साथ ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इसी से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।